Hello dear students, the topic for today's lecture is sources of water. Sources of water from which the water is taken for the water supply distribution systems are generally classified into two categories. The first one is surface sources and the another one is subsurface sources. Surface sources means the sources which are present above the ground level. These are generally divided further into three types: ponds and lakes, streams and rivers, and storage reservoirs. Ponds and lakes are generally natural depression on the earth's surface which are filled with water. The difference between both is that ponds are small in size and have lesser surface area as compared to lakes, which have a larger surface area. Then comes the streams and rivers, and then the storage reservoirs. Reservoirs are basically the pool of water which is created by obstructing the flow of water by construction of a dam across the river. The next category is subsurface sources. Subsurface sources means the sources in which the water is present under the earth's surface, below the earth's surface. It is further classified into four types: springs, infiltration galleries, infiltration wells, and wells in tube wells. Now let's discuss surface source in detail. तो जो आपके सरफेस सोर्स होते हैं वो मोस्टली उनका वाटर सप्लाई वो प्रेसिपिटेशन से ऑब्टेन करते हैं. प्रेसिपिटेशन में फॉल इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रेन, स्नो, हेल, ड्यू एक्सेट्रा, बट इन सब फॉर्म्स में रेन्स फॉर्म द मेजर पार्ट. सो मेनली रेनफॉल के थ्रू सरफेस सोर्स अपना वाटर सप्लाई को रिटेन करते हैं. देन अगर हम सारे सरफेस सोर्स को कंपेयर करें सो क्वालिटी ऑफ वाटर लेक में जनरली गुड होती है एंड इट डज़ नॉट नीड मच प्योरिफिकेशन. बट क्वांटिटी जो मिलती है लेक से वो थोड़ी कम होती है. अगर हम क्वालिटी की बात करें वाटर की तो सारे सरफेस सोर्स में अगर हम कंपेयर करें तो लेक में आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है. देन रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम्स. नाउ इफ यू कंपेयर द सरफेस सोर्सेज तो इन सब में रिवर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस सोर्स होते हैं अगर हम वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें. इसके दो रीजंस है. बिकॉज द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज जनरली गुड ड्यू टू सेल्फ प्योरिफिकेशन. एक्चुअली रिवर हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ प्योरीफाइंग इट्स वाटर. सो जो क्वालिटी होती है वाटर की रिवर में वो आपकी जनरली गुड होती है एंड उसके में ज़्यादा प्योरीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है. एंड देन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर सेटल्ड नियर द रिवर्स वेयर वाटर इज ईजिली अवेलेबल. मोस्टली जो हमारी सिटीज़ होती हैं दे आर सेटल्ड नियर अ रिवर ऑल्सो. सो मेजरली हमें पानी की अवेलेबिलिटी उस रिवर से हो जाती है. सो दैट इज़ वाई मोस्टली हम रिवर को एज अ सरफेस सोर्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द सब सरफेस सोर्सेज. द फर्स्ट वन इन इट इज़ इनफिल्ट्रेशन गैलरी. सो दीज आर हॉरिजॉन्टल टनल्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ्स, दैट इज़ एट 3 to 5 meters अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर. यू कैन ऑल्सो सी इन द फिगर. इन्फिल्ट्रेशन गैलरी हमारी क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल टनल्स होते हैं जिसको कि हम अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर कंस्ट्रक्ट करते हैं एट अ सर्टेन डेप्थ जो कि होती है 3 to 5 meter की बिलो द बैंक. ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिगर में कि बैंक के ही एडजेसेंट हमने एक हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें कि आपका ग्राउंड वाटर फ्लो कर रहा है. तो ये ग्राउंड वाटर इसमें स्टोर हो जाता है एंड देन इस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स इन अवर वाटर सप्लाई सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल वेल्स, राइट. The next surface source is infiltration well. Infiltration well are shallow wells which are constructed along the banks of river in order to collect the river water seeping through their bottom. अब infiltration wells भी आपके wells होते हैं जिसको कि हम bank of river पे construct करते हैं so that जो river के bottom से water seep हो रहा है वो इसमें आपका accumulate होता रहता है. आप देख सकते हैं इस figure में भी जो river stream है उसके एकदम bank पे हमने इस well को construct किया है. एंड देन ये जो आपका पोरस पाइप है रिवर स्ट्रीम के बॉटम में, इसमें जो भी पानी आपका रिवर स्ट्रीम के बॉटम में सीप हो रहा होगा, ठीक है, वो उससे कलेक्ट होके डायरेक्टली वेल पे चले जाता है. इस तरह वेल में स्टोर होता है. सो बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन गैलरी एंड वेल के बीच में डिफरेंस है कि जो गैलरी है उसे हम कुछ सर्टेन डेप्थ के नीचे बनाते हैं जो कि है 3 to 5 meter, बट जो इन्फिल्ट्रेशन वेल है उसे हम एकदम रिवर बैंक पे बनाते हैं. अब ये जो वेरियस इन्फिल्ट्रेशन वेल्स हैं ऐसे हम बहुत से इन्फिल्ट्रेशन वेल्स बनाते हैं एंड इन सबको हम कनेक्ट करते हैं एक सम्प वेल में और फिर वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए सम्प वेल के थ्रू हमारा सप्लाई लिया जाता है. नेक्स्ट सब सरफेस सोर्स इज स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स इज जनरली द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एट द अर्थ सर्फेस. जब भी आपका जो ग्राउंड वाटर है वो नेचुरली आपके ग्राउंड सर्फेस के ऊपर आने लग जाता है उसको हम बेसिकली स्प्रिंग कहते हैं. स्प्रिंग्स जनरली बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं, दैट इज़ वाई जनरली नॉट रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. हाउएवर जो आपकी गुड डेवलप्ड स्प्रिंग्स होती हैं जिनसे कि आपका एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ वाटर स्पेशली इन हिली एरियाज, राइट. देन जनरली थ्री टाइप्स की स्प्रिंग्स होती हैं, ग्रेविटी स्प्रिंग, सर्फेस स्प्रिंग एंड आर्टिशन स्प्रिंग्स.
इन तीनों स्प्रिंग में से सबसे ज़्यादा यील्ड जो पानी का हमें मिलता है वो आर्टिशन स्प्रिंग से मिलता है. दैट इज़ वाई जनरली दे आर यूज एज अ पॉसिबल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. राइट, द लास्ट सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर इज वेल्स. सो वेल इज जनरली अ होल, यूजुअली वर्टिकल, विच इज एक्सकेवेटेड ऑन द अर्थ सर्फेस फॉर ब्रिंगिंग ग्राउंड वाटर टू द अर्थ सर्फेस. वेल जनरली आपके होल्स होते हैं, वर्टिकल होल, जो कि हम एक्सकेवेट करते हैं अर्थ सर्फेस में, सो दैट जो ग्राउंड वाटर उसे हम सर्फेस तक ला सकें. राइट, वेल्स आर जनरली क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, ओपन वेल्स एंड क्यूब वेल्स. तो जो आपके ओपन वेल्स होते हैं, इनमें जनरली जो उनकी यील्ड होती है, जो वाटर इनसे मिलता है, वो जनरली कम होता है अमाउंट में. दे आर सूटेबल फॉर लो डिस्चार्जेस बिकॉज जो कि इनमें हम एक्सकेवेशन करते हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड डेप्थ तक होता है. ओपन वेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, शैलो वेल्स एंड डीप वेल्स. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट शैलो वेल्स जो होते हैं उनका जो बॉटम होता है दैट रेस्ट ऑन अ परवियस लेयर. परवियस लेयर एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द लेयर विच अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ वाटर. एंड जो डीप वेल्स होते हैं दे रेस्ट ऑन एन इम्परमिएबल लेयर, इम्परवियस लेयर. राइट, सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि शैलो वेल्स और डीप वेल्स में बहुत लोग समझते हैं कि डिफरेंस ये है कि शैलो वेल्स की जो डेप्थ है वो कम होती है एंड डीप वेल्स की ज़्यादा होती है. दिस इज़ नॉट द रियल डिफरेंस. द रियल डिफरेंस इज दिस दैट शैलो वेल रेस्ट ऑन अ परमिएबल लेयर एंड डीप वेल्स रेस्ट ऑन अ इम्परमिएबल लेयर. द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल इज ट्यूब वेल्स. ट्यूब वेल्स आपके जनरली लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं विच आर ड्रिल्ड इन टू द ग्राउंड एंड इंटरसेप्ट्स वन और मोर वाटर बियरिंग स्ट्रेटा. ट्यूब वेल्स आपकी लॉन्ग पाइप्स होती हैं जिसको हम ड्रिल करते हैं ग्राउंड में, और इस तरह ड्रिल करते हैं कि वो ग्राउंड लेवल के नीचे जितनी दो तीन वाटर लेयर्स हैं उनको इंटरसेप्ट करेगा. इस वजह से क्या होता है, ट्यूब वेल से जो हमें यील्ड मिलती है वाटर की वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ यील्ड मिलती है. सो द डिफरेंस बिटवीन ओपन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इज दैट ओपन वेल्स सप्लाई अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड ट्यूब वेल्स सप्लाई अ हायर अमाउंट ऑफ वाटर. सो दीज वर द सब सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम. द फर्स्ट फैक्टर इज क्वान्टिटी ऑफ वाटर अवेलेबल. सो ऑब्वियसली द क्वान्टिटी ऑफ वाटर अवेलेबल शुड बी सफिशेंट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स. जो भी आपका सोर्स है उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि डिमांड जो है कंज्यूमर्स की वो सेटिस्फाई हो जाए. द नेक्स्ट फैक्टर इज क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल. नाउ जो वाटर की क्वालिटी है सोर्स में दैट शुड बी गुड, मींस इट शुड नॉट बी पॉइजनस एंड टॉक्सिक. जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कम से कम होनी चाहिए सो दैट मिनिमम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. थर्ड वन इज डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई. ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ सप्लाई एंड द पॉइंट वेयर द वाटर टू बी सप्लाइड शुड बी मिनिमम सो दैट जो पाइपलाइंस होंगी जो वाटर को कैरी करेंगी वो कम हो एंड दस जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी कम हो. देन एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई मीन्स जो हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई है वो जिस पॉइंट में हमें पानी को सप्लाई करना है उससे ऑब्वियसली हायर एलिवेशन पे सिचुएटेड हो हम ये ट्राई करते हैं सो दैट जो वाटर जब सप्लाई करेंगे वो ग्रेविटी से आपका ईजिली सप्लाई हो जाए. The last factor is cost. So obviously whenever we'll be choosing a particular source of water, we'll try जो भी cost हमारी project की बन रही है that should be minimum so that the project proves to be economical. So these were the factors which affect the choice of source of water. Hope the topic of source of water is clear to you all. Thank you.